मिनी आरडी की असिस्टेंट, ये ऑफिस वर्क तो बहुत अच्छा करती है लेकिन आरडी की दिल की बात नहीं समझती। आरडी इंस्पेक्टर रॉबर्ट डिकोस्टा। अब आएगा मजा। वेलकम सर, वेलकम। हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे सर। तुम मुझे ऐसे इनवाइट करो जैसे यहाँ किसी की शादी हो रही है और मुझे पांगड़ा करने के लिए बुलाया। नहीं सर, वो दरअसल ये इंडियन कम्युनिटी का केस है ना, तो हमें 100% श्योर था कि डिपार्टमेंट आप ही को भेजेगा सर। सबसे पहले ये बताओ। जी सर। हापुस आम का क्या हुआ? हापुस? हाँ, तुम मेरे लिए इंडिया से हापुस आम मंगाने वाले थे ना, उसका क्या हुआ? वो मैं भूल गया सर। तुम लोगों का काम में ध्यान ही नहीं है, तुम्हारा प्रमोशन कैसे होगा? मूड खराब कर दिया। ये भाई साहब ने किस फ्लोर से आयोजन किया? 20th फ्लोर से सर। कमाल है, लोग ऊपर से छलांग लगाते हैं चांद पर पहुंचने के लिए, ये उससे भी ऊपर पहुंच गया। क्या वजह थी खुदकुशी? सर ये एक्चुअली सुसाइड नहीं है, एक्सीडेंट का केस है। कोई चश्मदीद गवाह? विक्टिम के भाई और भाभी सर। मतलब ये ऊपर से जब गिर रहा था इसके भाई और भाभी इसे टाटा बाय बाय कर रहे थे? पता नहीं सर, लेकिन वो दोनों अभी भी ऊपर ही हैं सर। तो हम लोग नीचे क्या कर रहे हैं, उनके गिरने का इंतजार? चलो मिनी, उनसे पूछताछ करते हैं, शायद उन्होंने इंडिया से आपूस आप मंगवाया। कमल, लेट्स गो। ऑफिसर्स, सर्च द एंटायर प्रमाइस ऑफ दिस ऑफिस, यू माइट फाइंड समथिंग इन दिस केस। ओके सर। आइए। थैंक यू वेरी मच मिस्टर राजीव, आपके स्टाफ के साथ इन्वेस्टिगेशन हो चुका है। आई एम 99% सेटिस्फाइड। अनार, इसका मतलब है आपके मन में अभी भी 1% डाउट है? जब भी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है और पैसा इन्वॉल्व होता है, पता नहीं क्यों मुझे शक हो ही जाता है। जिस रैंच हाउस के बारे में आप सोच रहे हैं वो तो बैंक के पास गिरवी पड़ा है। मुझे पता है, लेकिन मैं रणवीर की उस इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रहा हूं जिससे तुम्हें 100 मिलियन मिलने वाला है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पिताजी ने हम दोनों भाइयों के नाम इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली थी, मैं तो उसके बारे में भूल भी गया था। मैं अनार खा रहा हूं तो आप मुझे अनाड़ी तो नहीं समझ रहे? एक बार तो तुम्हें पॉलिसी का ख्याल आया ही होगा। अब कहना क्या चाहते हैं? देखिए, मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, और अगर आपको किसी बात का बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। कमीना साला। आपने कुछ कहा? जी नहीं। क्या है, मैं जब भी किसी को इंटरोगेट करता हूं अक्सर लोग मुझे साला कमीना ही कहते हैं। बट आई डोंट माइंड, बट वेयर क्राइम इज कंसर्न्ड मैं कमीना ही हूं। इतना बड़ा हादसा हो गया, किसी ने मुझे बताया तक नहीं? किसी ने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? व्हाई डिड यू टेल मी एनीथिंग? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? सुनो यहाँ, ये कौन है? मुझे बता सकती ये सोफिया मैडम है, रणवीर सर की सेक्रेटरी। ये सेक्रेटरी होकर इतना रो क्यों रही है? ये सब कैसे हुआ? एक्सक्यूज मी, आई एम आरडी, इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। आपके बॉस की डेथ से हमें भी बहुत दुख हुआ। बॉस? वो मेरे बॉस नहीं थे, मेरे हस्बैंड थे। हस्बैंड? ये क्या कह रही हो तुम? रॉनी से तुम्हारी शादी कब हुई? हम जब केप टाउन गए थे वहां हमारी शादी हुई थी। यहाँ आकर हम एक सरप्राइज पार्टी देकर सबको न्यूज देने वाले थे। सोफिया जी, मैं आपसे अकेले में कुछ पूछताछ करना चाहता हूं। कम विद मी।
जान ले ली और अब यहाँ सिंपैथी दिखाने आए हो। सुफिया, रणवीर मेरा भाई था। तुम्हारी वजह से उसकी जान गई। I don't want to see your face. Just get out of here. Get out. Calm down. Get out. मिनी, तुमने एक बात ऑब्जर्व की है? Yes, sir. आज आप आधा किलो स्ट्रॉबेरी खा गए। क्या ऑब्जर्वेशन है? थैंक यू सर। हेलो मिस्टर राजीव, आप यहां भी आ गए। आदत से मजबूर हैं। कुत्ते और पुलिस वाले हमेशा पीछे ही पड़े रहते हैं। मैं अभी आपके इस घटिया मजाक के मूड में नहीं हूं। मैंने इनके मूड को देखकर एक गाना याद आ गया। भवरे ने खिलाया फल और फल को ले गई राजकुमारी। सर, मैं समझी नहीं, आप किस फल के बारे में बात कर रहे हैं? समझाता हूं। देखो, ये 100 मिलियन डॉलर की पॉलिसी एक बहुत बड़ा फल है। अगर इस फल को खाने के लिए राजीव ने रणवीर को मारा है तो यह फल खाएगी रणवीर की बीवी सोफिया। और अगर यह सचमुच एक एक्सीडेंट है और राजीव बेकसूर है तब भी ये फल खाएगी सोफिया ही। आप बार बार ये बात हमें क्यों सुनाते हैं? Have it, please. हमें पैसों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। सोनिया। हाँ, अंगूर खट्टे हैं। सर, आप अंगूर नहीं स्ट्रॉबेरी खा रहे। थैंक यू, आप चलें। ओके। कि 100 मिलियन डॉलर मिलने की खुशी से पहले थोड़ा थ्रिल हो जाए। How's my baby day? Huh? Huh? Come to daddy! Come to daddy!